हफमैन कोडिंग सॉल्व एग्जांपल टू। सॉल्व एग्जांपल टू सॉल्व करने के लिए गिवन प्रोबेबिलिटीज दी हुई है 0.15, 0.15, 0.4, 0.15, 0.15। तो ये गिवन प्रोबेबिलिटीज को सबसे पहले फर्स्ट अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये प्रोबेबिलिटी सारी अरेंज है अभी 0.40 और नीचे सारे 0.15। तो हफमैन कोडिंग के सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है, लास्ट की दो प्रोबेबिलिटीज है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। मतलब ये 0.15 प्लस 0.15 होता है 0.30, और ये 0.30 इसका एडिशन को सेकेंड कॉलम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सेकेंड कॉलम में सबसे फर्स्ट तो आएगा 0.40। अभी अपनी प्रोबेबिलिटी से 0.15 प्लस 0.15 होता है 0.30, मतलब ये यहाँ पे आएगा 0.30। और जो लास्ट की जो प्रोबेबिलिटीज अपन ऐड करें, लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज, उसको अपर साइड 0 मार्क करना है, नीचे साइड 1 मार्क करना है कोड वर्ड फाइंड करने के लिए। और ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अरेंज करके ही लिखना है। तो अभी बचा क्या इसमें से, ये 0.15 और ये वाला 0.15। तो पहले इसकी पोजिशनिंग मार्क करते हैं, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में कौन कौन से पोजिशन पे गया है। तो 0.40 तो वहीं पे है, 0.15 ये नीचे वाला आ गया है, ये नीचे आ गया, और ये वाला 0.5 यहाँ पे नीचे आ गया है। और अभी ऐसे ही प्रोसीजर रिपीट करना है, 0.15 प्लस 0.15 को ऐड करना है, लास्ट के टू प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। 0.15 प्लस 0.15 होता है 0.30। तो ये भी सेकेंड नेक्स्ट कॉलम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 0.40 सबसे पहले आएगा इसके, फिर ये एडिशन 0.30 बनता है 0.30। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 0.30, और ये एक 0.30 इधर का बचा। और दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने का, उनको अपर साइड 0 और लोअर साइड 1 मार्क करने का। अभी पोजिशनिंग मार्क करते हैं, 0.40 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0.30 यहाँ पे आ गया, और ये जो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में 0.30 लिखते हैं, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और ये हमेशा टॉप पे रखने का जो प्रोबेबिलिटीज ऐड करें, दोनों इक्वल है तो भी, इसलिए 0.30 नीचे आया। और 0.30 प्लस 0.30, अभी ये प्रोबेबिलिटीज का ऐड करेंगे, और इसको अपर साइड 0 लोअर साइड 1, 0.30 प्लस 0.30 होता है 0.60। तो अभी ये सबसे टॉप पे जाएगा 0.60, और फिर 0.40 बचा है, वो 0.40 लिखेंगे और पोजिशनिंग मार्क करेंगे, 0.40 यहाँ से यहाँ आ गया। और अभी 0.60 प्लस 0.40 होता है 0.1 होता है, ये 0 ये 1 और यहाँ पे 1। तो ये आंसर फाइनल 1 आना आ गया, मतलब अपना सम राइट है और सारे प्रोबेबिलिटीज प्रॉपरली सॉल्व किया है। अभी फाइंड करते हैं कोड वर्ड। कोड वर्ड फाइंड करने के लिए लेकिन अपने को जाना है फ्रॉम LSB टू MSB। तो ये हफमैन कोड ट्री हो गया। अभी 0.40 का कोड वर्ड लिखते हैं, मार्किंग देखेंगे 0.40 जब कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट मतलब अपने को 1, तो 1 लिखेंगे LSB पे, फिर ये और आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी सेकंड फाइंड करते हैं 0.15, 0.15 का पोजिशनिंग देखते हैं, 0.15 जा रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट मिलता है 0, सेकंड लिखेंगे फर्स्ट मिलता है 0, फिर ये 0 यहाँ से जा रहा है यहाँ पे भी मिलता है 0, फिर ये 0 यहाँ पे भी मिलता है 0, ऐसा हो गया सेकंड का। अब ये थर्ड का देखते हैं, थर्ड थर्ड 0.15 सबसे फर्स्ट मिल रहा है 1, तो 1 लिखेंगे सबसे फर्स्ट में 1, फिर जा रहा है यहाँ पे मिलता है 0, फिर यहाँ से जाता है यहाँ पे, यह मिलता है 0, फिर खत्म।
फिर थर्ड हो गया, अभी फोर्थ दिखते हैं। फोर्थ में सबसे फर्स्ट मिलता है 0, फिर यहाँ से जा रहा है यहाँ पे मिलता है 1, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे 0, और फाइनल फाइनल प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे फर्स्ट मिलता है 1, फिर यहाँ से ये एरो को फॉलो करना है बस ऐसे, यहाँ पे मिलता है 1, फिर यहाँ से यहाँ पे मिलता है 0। और प्रोबेबिलिटीज हमेशा कोड वर्ड लिखते टाइम LSB to MSB लिखना है, मतलब फर्स्ट मैंने राइट साइड में लिखा, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में आता गया, ऐसे ही कोड वर्ड लिखना है तो ही राइट में लेगा, वरना कोड वर्ड रॉन्ग होएगा। फिर ये कोड वर्ड फाइंड हो गया, अभी लिखते हैं NK कितना है। अभी फर्स्ट में 1 बिट है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी में 3 बिट्स है, थर्ड में भी 3 बिट्स है, फोर्थ में भी 3 बिट्स है, फिफ्थ में भी 3 बिट्स है। तो एंट्रोपी फाइंड करना है। एंट्रोपी का फॉर्मूला H⁻ K=1 to m है यहाँ पे 5 PK log 2 1/PK। कैल्सियम में पुट करने के बाद एंट्रोपी का आंसर आएगा 2.17 bits per message, एंट्रोपी का यूनिट। फिर फाइंड करना अपने को एवरेज कोड वर्ड लेंथ। एन बार का फॉर्मूला है summation k=1 to m, m मतलब 5 PK into NK। फिर इसका आंसर आएगा 2.20 bits per message। फिर एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी आएगी H⁻N⁻ एफिशिएंसी आएगी अपने को 98.63%। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आप वेरीफाई कर लो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। और हफमैन कोड सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये चार्ट बनाना, और आंसर वेरीफाई करने के लिए ये लास्ट में हमेशा 1 आना चाहिए। 1 आया मतलब आपका आंसर राइट है, आपको फुल मार्क्स, 1 आंसर रॉन्ग है।